घटनाएं इंसान के जीवन का एक अहम हिस्सा होती हैं, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। ऐसे ही एक्सपीरियंस के साथ पनपता है डर, और ऐसे ही डर की एक सच्ची कहानी मैं आयुषिया जब सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बात है लगभग 4 साल पुरानी। मैं जिस कॉलोनी में रहती थी वहाँ एक अंकल रहते थे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बुरी थी, वह डेली वेज लेबर का काम करते थे। इसी दुख में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनकी मौत के लगभग 13 या 14 दिन बाद लोगों ने यह कंप्लेन करना शुरू किया कि जब भी वह रात को 1 बजे के बाद घर से निकलते या कहीं से लौटते, वह अंकल को रोड पर घूमता पाते उन्हीं कपड़ों में जिन कपड़ों में उन्होंने फांसी लगाई थी। कुछ महीने गुजर गए और उनकी वाइफ की कंडीशन काफ़ी अनस्टेबल हो गई। वह डरी डरी सी रहती थी और बहुत चीखती थी। उनका हमेशा यह कहना होता था कि अंकल आ रहे हैं, अंकल आ रहे हैं, और एक दिन उनकी भी मौत हो गई। दूसरी कहानी मेरे खुद के एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। एक रात मेरे घर पर कोई नहीं था, मैं सोने चली गई। अचानक आधी रात मेरी नींद खुलती है। मैं भी उनमें से एक थी जो भूतों पर विश्वास नहीं करते, मगर इस इंसिडेंट ने सब कुछ चेंज करके रख दिया। मेरी नींद खुली और मैं देख तो पा रही हूँ, मगर ना मैं बोल पा रही, ना मेरे हाथ हिल रहे, ना मेरे पैर। मैंने बहुत कोशिश की बोलने की, मगर हो ना पाया। कुछ देर बाद कुछ ब्लैक शैडो सा आकर मेरे ऊपर कूद जाता है, जैसे कि वह हमला करना चाहता हो। मुझे पता नहीं कब नींद आ गई और मैं फिर से सो गई। जब सुबह मेरी नींद खुलती है तो मैंने खुद को बेड के दूसरे साइड पर पाया। मैं आधी नींद में थी, लगभग रात के 3 बज रहे होंगे, और मैं रात को काफ़ी परेशान होकर सोई थी। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने मेरे चेहरे पर हाथ रख रखा हो और वह